गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडल गेम स्कूल की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2, उसके हमने क्वेश्चन 5th तक कंप्लीट कर लिए थे। और स्टूडेंट्स, जो उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आगे 6th क्वेश्चन है, वो भी हमारा सेम है। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं हम आज। 7th क्वेश्चन देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इफ जीरो एक्स एंड जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, सेकेंड जो फंक्शन है वो 3x + 2, इफ टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, एंड थर्ड फंक्शन इज 2ax + 5b, इफ 4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 8, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 8, then find a and b, find a and b, ये हमें find out करना है। Okay students, तो देखते हैं कि ये अगर 0 to 8 अगर हर जगह continuous है, अगर ये function 0 to 8 continuous है, तो ये 2 पे भी continuous होगा और 4 पे भी continuous होगा, 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, 4 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं when x less than 2 फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होगा। और जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो, 4 को भी साथ में ले लें, when x greater than 2 and less than 4, क्योंकि हमें 4 का भी देखना है, 4 का भी साथ में ही ले लें एक ही बार में। जब x की वैल्यू 2 से कम है तो हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल है, वो कॉन्टिन्यूस है। जब हमारी वैल्यू 2 से बड़ी है, 4 से कम है, तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3x + 2, विच इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, सो इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। 4 से कम ले लिया, 4 से ग्रेटर भी ले लें, वेन x ग्रेटर देन 4 द फंक्शन इज 2ax + 5b, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ये देखा कि 2 से कम हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 2 से ग्रेटर भी कॉन्टिन्यूस है। अब हम 2, लेकिन यहां से हमें a और b की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो हम 2 के इक्वल 2 पे ही कॉन्टिन्यूस करेंगे, वहां से इक्वल करके वहां से a और b के अंदर देखते हैं कोई इक्वेशन बनेगी या वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, उसको इक्वल करेंगे, क्योंकि 2 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर 0 से 8 पे हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो 2 पे कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू 2 माइनस पे हमारे पास फंक्शन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट हम चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जहां जहां पे एक्स है वहां हम पुट करेंगे 2 माइनस एच होल स्क्वायर, यहाँ ए है और यहां होगा 2 माइनस एच प्लस बी, और एच की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो यहां बचेगा 2 का स्क्वायर, हमारे पास आंसर रहेगा 4, प्लस यहां एच के लिए 0 डालें तो 2a, और यहां पे b, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकली 2 पे। राइट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 2 प्लस पे, यानी 2 से ग्रेटर हमारा फंक्शन है 3x + 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
जहां जहां पे x है वहां पे 2 प्लस h पुट कर देंगे और लिमिट हमारी चेंज हो चुकी है, लिमिट चेंज कर दें h गोज टू 0। ये मैंने चेंज करने आपको सिखाई थी, आज दोबारा देख लें, एक बार दोबारा देख लें स्टूडेंट्स लिमिट कैसे चेंज होती है। आपने x को क्या पुट करना है 2 प्लस h, आपने x को क्या पुट करना है 2 प्लस h, तो यूं लिखेंगे एज x goes to 2, जैसे ही x 2 की तरफ जाता है, यानी जैसे ही x की वैल्यू 2 की तरफ गई, 2 के बिल्कुल नजदीक, यानी 2 ही पुट कर दिया हमने यहां पे x लिया 2 ही पुट कर दिया मान लो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचा, h goes to 0, h की वैल्यू 0 की तरफ जाई गई। तो जैसे ही x की वैल्यू 2 हम यहां पे पुट करते हैं, वैसे ही h की वैल्यू 0 की तरफ जाती है, 0 के नजदीक बनती है, ठीक है। तो ये हमारी लिमिट चेंज हो चुकी है और हमने x की जगह पुट करना है 2 प्लस h, तो लिमिट चेंज कर दें, नई लिमिट बना दें h गोज टू 0 और जहां जहां पे x है वहां पे पुट कर दें 2 प्लस h, यहां पे x था यहां पे पुट कर दिया 2 प्लस h, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2 3 = 6, 6 प्लस 2 8 आंसर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारी 2 की राइट हैंड लिमिट। अब बिकॉज 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर कर दें, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आपने डाला यहां पे 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 8, 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 8, ये 4 हम उधर ले जाते हैं तो आपके पास बचा 2a प्लस b इक्वल टू 8 माइनस 4 4, ये हमारे पास आई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी कब बनी इक्वेशन फर्स्ट, जब हमने 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 की राइट हैंड लिमिट को हमने बराबर किया तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनी। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम 4 की लेंगे, 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 4 की राइट हैंड लिमिट को बराबर करेंगे तो हमारे पास ए और बी में एक और इक्वेशन बनेगी, ठीक है। जब 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट 4 की राइट हैंड लिमिट को हम बराबर करेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी और दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने रीड करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे वो करते हैं क्वेश्चन 9th कर लेते हैं। क्वेश्चन 8th जो है वो 9th जैसा ही है, आप देख लें ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन 9th है, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस, सो शो दैट द फंक्शन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस एक्स माइनस वन, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस वन इज कॉन्टिन्यूस। हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है, क्या करना है हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें, एक तो थोड़ा ये देख लें कि यहां पे अगर हम इसको जीरो की इक्वल करें, देखो अगर तो क्वेश्चन आता है दो नंबर का, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहता है तो आप दो अलग अलग फंक्शन लेट करेंगे, फिर तो इसको अलग फंक्शन लेट करेंगे, इसको अलग फंक्शन लेट करेंगे, लेट जी ऑफ एक्स इज मोड ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, फिर आप लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज ए मोडलेस फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस, एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो ए मोडलेस फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो उनको अगर हम एड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही बनेगा एड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहां पे क्या हो रहा है, एड हो रहा है,
तो आपका जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, एच एक्स भी मॉडुलस फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों की एडिशन भी पूरा लिख देंगे आप, एडिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें देखो इसको x को 0 के बराबर अगर हम रखें तो x की वैल्यू 0 निकलेगी, इसको 0 के बराबर रखें तो हम x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी 1 निकलेगी। तो हमारे पास दो वैल्यू निकली 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मोड के अंदर हो उसको 0 के बराबर रखो, वहां से वैल्यू निकालो x की, तो यहां तो सीधा ही है x = 0 आ गया, यहां अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हम इसके ना फंक्शन बनाएंगे, इसके क्या करेंगे फंक्शन बनाएंगे, एक बार तो चेक करेंगे 0 से कम फिर 0 और 1 के बीच में और फिर 1 से ज्यादा। पहला हम चेक करेंगे 0 से कम, फिर 0 से लेके 1 तक और फिर 1 से ज्यादा। पहले हम तीनों अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। देखिए जब x की वैल्यू 0 से कम हो, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, देखो ये जो होगा mod of x खोल के एक बार x आता है एक बार माइनस x आता है, ये कब बनता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये हम लेते हैं जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहता है मेन मोड का क्या काम होता है, मोड नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, तो मोड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो इसमें डालेंगे और नेगेटिव डालेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही नेगेटिव वैल्यू यहां डालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो हमारा जो फंक्शन का आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो 0 से कम पे इसका जो आंसर बना ये बना -x। ये इसको देख लें, इस मोड को सोल्व करके आपके पास एक बार तो फंक्शन पॉजिटिव और एक बार फंक्शन आपका नेगेटिव, एक बार तो आपका फंक्शन जैसा दे रखा है वैसा के वैसा पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। मोड के अंदर वाला जो फंक्शन है जो पॉजिटिव तब होगा जब मोड के अंदर वाला पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर निकलेगा कि जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो हमारा ये पॉजिटिव आता है यू बाई यू, और जब x की वैल्यू 1 से कम है तो हमारा क्या आता है नेगेटिव। तो हम तो ले रहे हैं 0 से भी कम, हम क्या ले रहे हैं 0 से भी कम ले रहे हैं, 0 से कम ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। दोनों फंक्शन लिख लिए, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो ये भी नेगेटिव। अब हम बात करते हैं 0 और 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में जब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और 1 से कम हो, यहां आपने इक्वल का साइन लगा देना है, ग्रेटर देन के साथ लगा दें एक जगह लगा दें, या लेस देन के साथ या ग्रेटर देन के साथ, या ग्रेटर देन के साथ लगा दें। ठीक है, यहां लेस देन आ गए यहां ना लगाएं, अगले स्टेप में लगा दें जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, यहां इक्वल का लगा देंगे यहां ना लगाएं। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, देखो 0 से बड़ी होगी तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, देख लो 0 से बड़ी है तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, और साथ में क्या कह दिया 1 से कम x की वैल्यू 1 से कम पे ये हमारा क्या है नेगेटिव है, देखो 1 से कम पे नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव लगाएं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है x की वैल्यू 1 से बड़े पे ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये तो 0 से बड़े पे ही पॉजिटिव है, तो 1 से बड़े पे तो पॉजिटिव होगा ही होगा और ये भी हमारा पॉजिटिव होगा x माइनस 1। तो ये हमारे तीन फंक्शन बने, इसको सॉल्व करें -x माइनस के 2x और प्लस के 1 हो जाएंगे, माइनस के 2x प्लस के 1 ये कब लेना है व्हेन x लेस देन 0।
ठीक है, इसको सोल्व कर दिया मैंने, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस का वन, ठीक है, ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन एक्स एक्स कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का वन बचेगा, प्लस का वन कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है और वन से कम है, ठीक है स्टूडेंट्स, जीरो से बड़ी और वन से कम। तीसरा एक्स प्लस एक्स टू एक्स, टू एक्स माइनस वन कब, जब एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर है, ठीक है। यहां तक का जो काम है, देखो क्वेश्चन आपको यहां से भी दे सकता था सीधा सीधा, क्वेश्चन आपको यहां से भी दे सकता था सीधा सीधा, लेकिन नहीं, ये हमने बनाया पहले, तो चार नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, स्टार्टिंग से दोबारा देख लें, जो भी मोड के अंदर फंक्शन दिया हो उसको जीरो के बराबर रखो और एक्स की वैल्यू निकालो, एक वैल्यू तो जीरो निकल गई आपकी एक्स की वैल्यू, और इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी वन। तो अब जीरो से कम पे देखेंगे, जीरो और वन के बीच में देखेंगे, और वन से ग्रेटर देखेंगे, जीरो से कम, जीरो और वन के बीच में, और वन से ग्रेटर, तीन बातें रहेंगी यहां पे। तो जीरो से अगर कम की बात करें, जीरो से कम पे पहले इसके बारे में देखें, इसको खोल के एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कब, जब जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर होगा, और नेगेटिव कब, जब जीरो से छोटा होगा। दूसरे फंक्शन की बात है तो मोड के अंदर वाला खोल के एक बार यूं का यूं पॉजिटिव लगाते हैं और एक बार क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। पॉजिटिव कब होता है, जब मोड के अंदर का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, मोड के अंदर का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तो यहां से आपका आंसर निकला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो आपका पॉजिटिव रहेगा। और एक बार ये नेगेटिव, जब मोड के अंदर का पूरा फंक्शन लेस देन जीरो हो, तो इसको माइनस वन को उधर ले जाएंगे तो प्लस का वन हो जाएगा। यानी यहां से दो बातें निकली और यहां से भी दो बातें, यानी जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये फंक्शन, जीरो से छोटी है तो ये फंक्शन, वन से बड़ी है तो ये फंक्शन, वन से कम है तो ये फंक्शन। फिर हमने लगाया x लेस देन जीरो, पहले बात करते हैं जीरो से कम की, जीरो से कम पे ये नेगेटिव, जीरो से कम पे देखो नेगेटिव है, ये जीरो से कम पे, ये तो वन से कम पे नेगेटिव है, तो जीरो से कम पे तो अपने आप ही नेगेटिव होगा, अगर वन से कम पे नेगेटिव है तो जीरो से कम पे नेगेटिव होना ही होना है। फिर सेकंड बात करते हैं हम जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में यानी जीरो से तो बड़ा, जीरो और वन से छोटा, जीरो से बड़ा लेंगे तो ये तो आएगा पॉजिटिव आपका, और वन से छोटा लेंगे तो वन से छोटे पे ये आएगा आपका नेगेटिव। फिर तीसरी बात आई वन से ग्रेटर, वन से बड़े पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आपके पास तीन फंक्शन बन गए, तीनों को सोल्व करके ये बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी, इससे हमने क्या प्रूव करना है, इसे हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस। तो आप देखेंगे व्हेन एक्स लेस देन जीरो, व्हेन एक्स लेस देन जीरो फंक्शन इज माइनस टू एक्स प्लस वाई विच इज ए पॉलीनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूस, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो फंक्शन इज वन, वन कैसा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है विच इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब जीरो पे चेक करते हैं, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लो, वो दोनों आपकी क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, तो दोनों क्या होगी आपकी बराबर आ जाएंगी, निकाल लेना स्टूडेंट्स जैसे हमने लास्ट पिछले एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे वन से कम और वन से ग्रेटर, पहले वन से कम दिखाएं, लेस देन वन पे आपका फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ग्रेटर देन वन पे आपके पास पॉलीनोमियल है कॉन्टिन्यूस होगा, फिर चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन पे चेक करेंगे, फिर वन पे भी दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, तो आपका फंक्शन क्या होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आपको यही प्रूव करना था, प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, प्रूव दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इलेवन जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट सॉरी प्रूव नहीं करना, डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस करनी है कि कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा साइन एक्स प्लस फोर्सेस। देखिए एक जैसे क्वेश्चन है कि इलेवन क्वेश्चन देखते हैं हम कि फंक्शन कैसा दिया है, साइन एक्स
साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फंक्शन कैसा दिया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि क्वेश्चन अगर दो नंबर का आता है तो आप लिख देंगे इसको अलग फंक्शन लेट कर लेंगे, साइन एक्स को अलग फंक्शन और कोस एक्स को अलग फंक्शन, तो फिर लिख देंगे साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फिर लिख देंगे कोस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फिर लिख देंगे एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो आपका दो नंबर का हो जाएगा। और अगर आपका चार नंबर का क्वेश्चन आता है तो चार नंबर के क्वेश्चन में एक हमें लिमिट में से एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा। देखिए इसकी डोमेन रियल नंबर है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर में से एक पॉइंट लेट कर लिया आप, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, डोमेन ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, ठीक है। तो चेक करें इसकी कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, ए पॉइंट पे सी कॉन्टिन्यूटी चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। लिमिट हम चेंज करते हैं, लिमिट हमने बनाई एच गोज टू जीरो और हमने पुट किया ए माइनस एच, क्या पुट किया ए माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एच की जगह हम जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं हमारा आंसर आया साइन ए और यहां से हमारा आंसर आया कोस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की है वैसे ही आप राइट हैंड लिमिट भी चेक करें, उसका आंसर सेम आएगा यही का यही। फिर हम फंक्शन में डायरेक्ट, फंक्शन में डायरेक्ट क्या पुट करेंगे ए पुट करेंगे, ए यहां पुट किया, ए यहां पुट किया, तो हमारा आंसर बना साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, तीनों बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तीनों बराबर होते ही हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की प्रॉपर वैल्यू ए पर, तीनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, हाँ जी ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और हमने फंक्शन में प्रॉपर डाला ए, तो हमारा तब भी आंसर आया तीनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।